नमस्कार, आपका स्वागत है लखनऊ के घाट श्रृंखला के दूसरे वीडियो में। यह है लखनऊ का KGMU हॉस्पिटल चौराहा। चौराहे के ठीक पास में ही डालीगंज पुल है। पुल के बगल से ही हमें लल्लू मल घाट देखने को मिलता है। अगर आप हजरतगंज की तरफ से जाते हैं तो कुनिया घाट से काफी पहले ही पड़ता है। ये तस्वीर है सेठ लल्लूमल जी की, जिन्होंने इस धर्मशाला को बनवाया था। इन्हीं के नाम पर इस धर्मशाला का नाम भी रखा गया है। पूरी धर्मशाला में 50 से भी अधिक कमरे हैं। तो चलिए अब घाट की तरफ चलते हैं। तो आप जैसे ही बरामदे से बाहर जाते हैं, आपको घाट का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। घाट में जो रंगाई पुताई दो रंगों की गई है वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इस समय नदी की जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। पानी बिल्कुल नहीं बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि बांध से पानी रोक दिया गया है और नदी में पूरा गंदगी जमा हो गई है। जैसे मेला के समय लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ पर उनको ये अलमारियाँ जो है दी जाती हैं, वो अपने यहाँ सामान रखते हैं, घाट में नहाते हैं, मेला में शामिल होते हैं। जिन लोगों को कमरे चाहिए उन लोगों को पूरा कमरा भी दिया जाता है। इस धर्मशाला में एक शिव मंदिर है जिन्हें नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसकी उम्र लगभग 80 साल बताई जाती है। लगभग आज के 150 साल या 200 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसको लल्लूमल नाम के एक सेठ थे जो मशक्कन के रहने वाले हैं और बहुत ही वो दान के प्रसिद्ध थे। वो दान दिन उनका काम ही था भैया, दिन भर दान देना। इतने सब्जी वाले होते थे, सब्जी वालों की सारी सब्जियां वो खरीद के कटवा के गायों को दे देते थे। दिन भर दान की पेटी पे बैठे ही रहते थे। उन्होंने इसको बनवा के गरीबों के लिए, अन्य लोग जो इनके पास कुछ नहीं आके अपना यहाँ रहें, अपनी जीविका चलाएं, नदी से या अन्य शहरों में घूम करके, जैसे तमाम यहाँ जोशी वगैरह आते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा तक इसका पानी साफ रहता है, उसके बाद यही दुर्दशा इसकी। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा में कोई मेला वगैरह रहता है क्या? बहुत यहाँ जी भयंकर मेला लगता है। ये पूरा धर्मशाला जो आप देख रहे हैं पूरा एकदम भरा रहता है दुकानों से, यात्रियों से, नहाने वालों से। कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, पितृपक्ष और अमावस्या में इस घाट पर भीड़ इकट्ठा होती है। लल्लूमल घाट के बगल से ही एक और मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है और हनुमान जी की मूर्ति है, जिसकी वजह से इस घाट को रस्तोगी घाट नाम से भी जानते हैं। तो अब हम नाव से बगल वाले मंदिर के दर्शन भी करने जा रहे हैं। एक तो पानी बहुत खतरनाक है। घाट पर पहुंचने पर हमने देखा कि यहाँ कोई शायद भंडारा चल रहा है। हमें कई साधु महात्मा श्री राम के जयकारे लगाते हुए दिखे। और ये सब भंडारे की तैयारियां चल रही थी, आप भी देखिए।
इस घाट पर नाव चलाकर भी कई मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं। तो आज हम वापस चलते हैं। यह था लखनऊ का लल्लू मल घाट। अगले वीडियो में लखनऊ के किसी तीसरे घाट के दर्शन आपको कराएंगे।